सागर जिले के मकरोनिया नगर के नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। आक्रोशित लोगों ने संपत्ति कर बिलों की होली जलाई गई, गंदा पानी नगर पालिका के सामने फेंका गया। आपको बता दें कि कृष्णा नगर वार्ड सहित अन्य वार्डों में मूलभूत सुविधाओं को तरसते लोगों ने शिव सैनिकों के साथ नगर पालिका गेट के सामने संपत्ति कर के बिलों की होली जलाई। वार्ड वासियों ने नगर पालिका गेट के सामने नालियों का गंदा पानी फेंका। नालियां नहीं बनाए जाने से परेशान रहवासी विरोध जता रहे हैं। शिवसेना जिला प्रमुख दीपक सिंह लोधी ने बताया कि नगर पालिका के कार्यकाल को 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी रहवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। रहवासियों के घर के हजारों रुपए की संपत्ति कर के बिल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि नगर पालिका अपने रवैये से बाज नहीं आती है तो शिवसेना नगर पालिका की तालाबंदी करेगी। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। रोड दिया है ना, नाली के पानी की निकासी दी हुई है ना, स्ट्रीट लाइट है कहीं पर। आए दिन घटनाएं होती हैं, बरसात के पानी में लोग बाग रहवासी ग्राम पंचायतों की तरह ऐसे निकलते हैं, लेकिन नगर पालिका के नाम पर ना तो इन्होंने 5 साल में मूलभूत सुविधाएं दी हैं। ये केवल एक प्रकार से कहना चाहिए तो ये गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं संपत्ति कर के नाम पर। किसी का 22,000 है, किसी का 28,000 है, जब मूलभूत सुविधाएं दी ही नहीं गई तो नगर पालिका किस चीज़ का टैक्स वसूल रही है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारी यह मांग यह है कि जिस वार्ड में मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई हैं उनका संपत्ति कर जिसका 22,000 28,000 आ रहा है तो उनका संपत्ति कर माफ नहीं हो सकता, तो कम से कम आधा तो करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।